Good morning, friends. Hope you all are fine. Let's welcome to the new day. आज फ्राइडे है तो फ्राइडे सुबह सुबह हमने सोचा कि एक ब्लॉग बनाया जाए. मेरी बच्ची ने बोली कि उसको ऑमलेट खाना है और मुझे बॉइल्ड एग खाना है. तो हमने सोचा कि आज एक ब्लॉग बना लेते हैं एक के ऊपर. तो अंडे के बारे में तो आपको सब कुछ पता है, जैसे रोज बोला जाता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. लेकिन कुछ दो तीन ट्रिक्स ऐसा है जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा. तो लेट्स एंजॉय दिस एंड स्टार्ट टुडेस ब्लॉग विथ सम ट्रिक्स अबाउट एग. वीडियो को एंड तक देखना, यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज. अगर सही लगे तो लाइक्स कर देना और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू. आज हम यूज करेंगे ये 6 अंडे. हम 3-4 लोग हैं तो मुझे लगता है कि ये 6 अंडे हो जाएगा. अभी जैसे मैं बोल रहा था, अंडे का कुछ ट्रिक्स होता है. देखिए, एक अंडा है. आप मुझे बताइए, अंडे को आप कैसे रखते हैं? अंडे का जो ट्रे होता है उसको आप कैसे रखते हैं? कुछ आप ऐसे अंडे लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, कोई ऐसे रख लेता है. लेकिन उसका जो सही तरीका है, अंडे को देखिए, ये वाला जो शेप है ये इसका ओवल शेप है और ये वाला जो शेप है ये नुकीला शेप है, राइट? तो जब भी आप अंडा रखेंगे तो ये जो नुकीला वाला शेप है वो इस तरह से नीचे जाएगा, राइट? और ये ओवल शेप ऊपर रहेगा. इसमें से अगर आप ऐसे रखते हैं तो अंडा ज्यादा दिन रह सकता है बिना खराब. अभी दूसरा चीज जो हर किसी को पता है, अंडा फ्रेश है या पुराना है आप लोग कैसे पता करते हैं? आप क्या करते हो, जो सबको पता है, पानी के अंदर अंडा छोड़ देते हो. अगर अंडा डूब गया तो फ्रेश अंडा है, अगर अंडा तैरने लगता है तो अंडा कंपैरेटिवली पुराना अंडा है. इसके अलावा भी आप और एक ट्रिक यूज कर सकते हो जो काफी इजी है, जिसको हम कहते हैं मोबाइल टॉर्च लाइट ट्रिक. हाँ, आपने सही सुना, मोबाइल टॉर्च लाइट ट्रिक. मोबाइल ट्रिक में आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप रूम का लाइट डार्क करके मोबाइल इसके ऊपर, मोबाइल का फ्लैश अंडे के ऊपर डालते हो तो इसका जो योक है वो आपको ऊपर की साइड में दिखेगा, ठीक है? जैसे जैसे आप अंडा घुमाओगे वैसे वैसे इसका जो योक है वो भी अंदर घूमने लगेगा. तो जितना अच्छा घूमेगा इसका मतलब यही है कि अंडा उतना फ्रेश है. अगर ये नहीं घूमता है तो अंडा पुराना हो गया. एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में लाते हैं, अंडा लाते हैं, फ्रिज में 15 दिन रख लेते हैं, 20 दिन रख लेते हैं. आजकल तो नया फ्रिज भी आ गया है जिसमें ज़्यादा दिन हम रख सकते हैं. लेकिन एक हेल्दी चीज़ यही है कि अगर आप इसको 6-7 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हो तो अच्छा है, या फिर आपको दुकानदार भी नहीं ठग सकता है अगर आपको ये थोड़ी चीज़ पता है, ठीक है? अभी मैं आपको और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, अंडे को आप उबालोगे कैसे. ये हम अंडा उबालने जा रहे हैं तो जैसे जैसे मैं उबालते जाऊंगा आप लोगों के साथ और 2-3 ट्रिक शेयर करूंगा. तो वीडियो को एंड तक देखिए. अभी जो पहला ट्रिक है, अभी हम गैस ऑन कर लिए हैं, एक पैन पे पानी चढ़ा लिया है. कभी भी जो ठंडा पानी है, जो गैस ऑन करते ही आप इसमें अंडा मत डालना. पहले पानी को अच्छे तरह से बॉयल हो जाने दीजिए, ठीक है? उसके बाद अंडा डालिए. और एक चीज है, अंडे को अच्छे से बॉयल होने के लिए आप क्या कीजिए, उसमें ऐसे 2 नींबू डाल सकते हैं. और अंडा जल्दी बॉयल होने के लिए नींबू के साथ आप थोड़ा बेकिंग सोडा मिला सकते हैं, ठीक है? नमक पुराना हो गया, नमक की जरूरत नहीं है, बेकिंग सोडा मिला लीजिए. इसमें अंडा जल्दी बॉयल भी होगा और अंडे का जो छिलका है वो अच्छे से भी खुलेगा. अभी पानी गर्म हो गया है,
अंडा डालने का जो सही तरीका है, अंडे को एक स्पून में लीजिए और धीरे से हल्के से इसके अंदर छोड़िए, कुछ इस तरह से, नहीं तो अंडा टूट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कभी भी मत छोड़ना, नहीं तो अंडा टूट जाएगा। और जैसे ही अंडा डालते हो, या तो अपना टाइमर ऑन कर लो या घड़ी पे टाइम अच्छे से देख लो। अंडे तीन तरीके से बॉयल होता है। पहला चीज, या तो आप अंडे को इस तरह से बॉयल करोगे जो उसके छिलके के अंदर ही आपको खाना है, ठीक है। उसके लिए आपको अंडा बॉयल करना है सिर्फ 3 मिनट के लिए, 3 से 3.5 मिनट के लिए। अगर आपको हाफ बॉयल्ड खाना है, जो सॉफ्ट बॉयल्ड होता है, उसके लिए आपको ठीक 6 मिनट बॉयल करना है। अगर आपको अंडा कंप्लीट बॉयल खाना है तो 11 से 12 मिनट लगता है। टाइमर ऑन कर लीजिए, हमने हमारा टाइमर ऑन कर लिया है, ठीक है। अभी सिर्फ अभी हम जो मतलब हम पूरा बॉयल्ड एग बनाएंगे, तो हम अभी 11 मिनट बाद अंडे को निकालेंगे, तो मिलते हैं आपसे 11 मिनट के बाद। अभी 11 से 12 मिनट लगभग खत्म हो चुका है, अंडा अभी हमारा कंप्लीट बॉयल हो चुका है। अभी हमें अंडे को निकालना है और उसका छिलका निकालना है। तो इसका जो सही प्रोसेस है वो है, आप डायरेक्ट अंडे को लेके निकालना, उसका छिलका निकालना शुरू मत कीजिए। अंडे को पहले एक बाउल में ठंडा पानी लीजिए और एक एक अंडा लेकर इसके अंदर कुछ इस तरह से डालिए और इसको 2 से 3 मिनट इसके अंदर रहने दीजिए। इसके बाद आप इसका छिलका निकालिए। बहुत अच्छी तरह से ये बॉईल हो गया होगा, छिलका भी आसानी से निकल जाएगा और आपका अंडा आपका टूटेगा नहीं। अभी अंडा हमारा लगभग ठंडा हो गया है, अभी इसका छिलका हम लोग निकालेंगे। मुझे पता है आपको सब पता है, लेकिन हो सके तो मेरा तरीका ट्राई कर सकते हैं। अंडे को कुछ इस तरह से तोड़ लीजिए, ठीक है, तो हल्का हल्का क्रैक जैसे इसमें आ जाएगा। इसको आप पानी के अंदर फिर दोबारा छोड़ दीजिए। पानी के अंदर इसमें छोड़ने से पानी का एक लेयर इसके अंदर चला जाएगा और ये अच्छे तरीके से इसका छिलका निकल जाएगा। सारे अंडे को कुछ आप इस तरह से कर लीजिए। अभी सारे अंडा हमारा इसके अंदर है, अभी हम इसका छिलका निकालना शुरू करेंगे। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, पानी का जो लेयर गया है ना, इसके लिए बहुत आसानी से इसका छिलका निकल रहा है और ये टूटेगा भी नहीं। आपको और एक ट्रिक बताना चाहूंगा, आपका काम में आएगा। अंडे का जो ये सेल पोर्शन होता है ना, इसको आप तोड़ दीजिए, कुछ इस तरह से तोड़ दीजिए, ठीक है। इसको तोड़ के जो बोतल आप साफ नहीं कर सकते, कांच का बोतल हो गया या फिर कुछ अच्छा बोतल हो गया, उसके अंदर इसको डाल दीजिए। इसका जो छिलका है तोड़ के उसके अंदर उसको डाल दीजिए। फिर इसमें पानी डाल के कुछ अच्छी तरीके से इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद पूरा छिलका निकाल दीजिए, आपका बोतल बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। एक ट्रिक है, जरूर इसको इस्तेमाल कीजिए। देखिए हमने जैसे इसको पानी के अंदर डाला था ना, इसके लिए इसका जो छिलका है कितना आसानी से निकल जाता आ रहा है। सारे अंडे को आप ऐसे निकाल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। ये कुछ हमारा अपना तरीका था, हमने आपके साथ शेयर किया, लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। एंड एंड में वही बात, थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर दिस ऑल्सो। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। वील मेट इन ए न्यू एपिसोड। टिल देन, बाय बाय।